हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ क्लास तक के बच्चों के लिए ही, जिसमें मैं आज आप लोगों को सीबीएसई की रिपीटेड स्टोरी राइटिंग समझाऊंगी। तो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ दिया गया है, रजन डिसाइड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। रजन एक छोटी सी स्टोरी लिखने का डिसीजन लेता है। टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन, यानी एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए। बट ड्यू टू हाई फीवर, लेकिन उसे बुखार हुआ। ही कुड नॉट कम्प्लीट इट, तो उसे कम्प्लीट नहीं कर पाया। ऑन द बेसिस ऑफ द बीगनी गिवेन ब्लो, तो यहाँ जो आपको बीगनी गिवेन है, जो उसने आधी छोड़ दी है, तो आपको उसके स्टोरी को कम्प्लीट करना है। कम्प्लीट हिज स्टोरी इन 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स में कम्प्लीट करनी है। देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी पुअर, यहाँ बोला है बच्चों, एक मैन था जो काफ़ी गरीब था। हिज नेम वॉज चंपू, उसका नाम चंपू था। He decided to go to the city to earn money, वो शहर जाने की सोचता है ताकि वो पैसों को कमा पाए। One day he took a boat, और एक दिन उसने बोट देखी। And started his journey, और उसकी जर्नी वहीं से शुरू हो गई। But when he डैश, तो आपको अब स्टोरी को कंप्लीट करना है इन क्लूज को लेते हुए। रिच द गार्ट ऑफ वाराणसी सिटी, वो कहाँ गया, शहर में, वाराणसी शहर में। ही वॉज सरप्राइज टू सी द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, वो भीड़ देखकर काफ़ी शौक हुआ। देयर ही सो हाउ मैनी बोट्स मैन यूज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उसने देखा जो बोट मैन है वो काफ़ी सारे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं फ्रॉम फॉरनर्स, यानी विदेशियों के लोगों से। जस्ट बाय ऑफरिंग दे अ राइड ऑन अ बोट, वो ने ऑफर कर रहे हैं बोट राइड को, यानी बोट राइड के लिए। ही डिसाइड दैट ही विल ऑल्सो, उसने सोचा मैं भी यही करूँगा। डू द सेम जॉब, मैं भी यही काम करूँगा। ही वॉज लकी, वो काफ़ी लकी था। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, अगर पहले दिन की बात करें तो ही गॉट गुड मनी, उसने अच्छा पैसा कमाया। ही यूज सम मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द बैगर्स, और उसने अपने फर्स्ट इनकम का यूज़ करा बैगर्स, यानी भिखारियों के भले के लिए। वेलफेयर मतलब भला, पर्टिकुलरली हु वर ऑफ ओल्ड एज, यानी उन लोगों की मदद की जो काफ़ी वृद्ध थे, बूढ़े थे, उन बैगर्स की। Thus he became a popular face of the घाट्स, ऐसे क्या हुआ, वो काफ़ी फेमस हो गया घाटी पर। वो उसका एक जो मतलब जो उसका फेस था वो काफ़ी फेमस हो गया, क्योंकि वो लोगों की मदद करता था। एंड इस वर्क को अप्रिशिएट, उसके इस काम को अप्रिशिएट दिया जाने लगा बाय एवरीवन, हर कोई उसे अप्रिशिएट करने लगा उसके काम को देख करके। तो यहाँ से स्टोरी राइटिंग होती है बच्चों कंप्लीट। आप लोग भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर स्टोरी को लिखेंगे।